तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार्मोन वाइटी। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डायनामॉन्स वर्ल्ड का अब तक का बेस्ट डायनामॉन। क्योंकि गाइस, आप में से बहुत से बंदे मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई हम लोगों को डायनामॉन्स वर्ल्ड का बेस्ट डायनामॉन बताओ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डायनामॉन्स वर्ल्ड का बेस्ट डायनामॉन कौन सा है। पहले तो गाइस, मैं आप लोगों को हर एक कैटेगरी का बेस्ट डायनामॉन दिखा देता हूँ। तो गाइस, इलेक्ट्रिक टाइप में बेस्ट है पेराडॉक्स, वाटर टाइप में है ज़ोमॉक्स और फायर टाइप में है ड्रेकाडोर। और अगर बात करें ग्रास टाइप की गाइस, तो उसमें सार्डोनिक्स का एवोल्यूशन, जिसको गाइस मैंने अभी फ़िलहाल इवॉल्व नहीं किया है। और गाइस, अगर डार्क टाइप में बात करें तो उसमें बेस्ट है जाइडोनिक्स। हालांकि गाइस, अभी मैंने जितने भी आप लोगों को डायनामॉन्स बताए वो अभी स्टेज टू एवोल्यूशन में है, तो आप लोगों को थोड़े से वीक लग सकते हैं। लेकिन जल्दी गाइस उनके स्टेज थ्री एवोल्यूशन आएंगे, तो वही बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस, अभी टाइप एडवांटेज को साइड में रखते हुए बात करते हैं कि ओवरऑल डायनामॉन्स वर्ल्ड का बेस्ट डायनामॉन कौन सा है। तो गाइस, डायनामॉन्स वर्ल्ड का अब तक का बेस्ट जो डायनामॉन है वो है जेनिक्स और उसका एवोल्यूशन जाइडोनिक्स। और ये क्यों है गाइस, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है गाइस कि गेम में तो कई वाटर और इलेक्ट्रिक टाइप के डायनामॉन्स हैं जो जाइडोनिक्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, तो गाइस हम लोग यहाँ पर टाइप एडवांटेज का बात नहीं कर रहे हैं। और रही बात जो एपेटाइट का एवोल्यूशन है डैगरिक्स की, तो वो गाइस एक स्टेज थ्री एवोल्यूशन है और जाइडोनिक्स एक स्टेज टू एवोल्यूशन है। फिर भी गाइस कई बार ऐसा होता है कि जाइडोनिक्स इसको बैटल में हरा देता है। और अगर बात करें गाइस जेनिक्स के लोकेशन की, तो वो हमें देखने को मिलता है क्लाउडस कास्टल में। और इसके बाद तो गाइस डायनामॉन्स वर्ल्ड वालों ने लगभग हर मैप में इसी बॉस को डाल दिया और वही स्टोरी लाइन रिपीट करते रहे हैं अभी तक। लेकिन गाइस जो जेनिक्स को पकड़ने का स्टोरी लाइन है वो अब तक का गेम का सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन है। इसके लिए गाइस आप लोगों को 5 कीज कलेक्ट करना पड़ता है और इसका जर्नी जो है गाइस वो कैंप से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आप लोगों को पहला की देखने को मिलता है। मुझे ठीक तरीके से पूरा स्टोरी लाइन तो याद नहीं है गाइस, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि लास्ट की जो कुछ कीस है वो हमें टेम्पल रूइंस में देखने को मिलती है और उसके बाद ही गाइस आप लोगों का क्लाउडस कास्टल ओपन होता है। तो चलिए गाइस, फाइनली मैं अब आपको वो वैलिड रीजंस दिखा देता हूँ जिसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जेनिक्स ही अब तक का सबसे बेस्ट डायनामॉन है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है गाइस कि आप लोगों को टेम्पल रूइंस में एक स्पेशल डिस्कैच देखने को मिलता है और उसी की मदद से गाइस आप लोग जेनिक्स को पकड़ सकते हो। और ऐसा कोई स्पेशल डिस्कैच गाइस आप लोगों को कोई और डायनामॉन को पकड़ने के लिए नहीं चाहिए, और ना ही गाइस हमें अब तक ऐसा कोई स्पेशल डिस्कैच और देखने को मिला है। तो चले गए, सब बात करते हैं सेकेंड रीज़न की। तो अगर आप लोग प्ले स्टोर में जाके गए इस डायनामॉन्स वर्ल्ड के अबाउट पेज को देखोगे, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस कि बैटल इन क्लाउडस कास्टल एंड कैच द मोस्ट पावरफुल डायनामॉन जेनिक्स। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो गाइस कि डेवलपर्स खुद ये बता रहे हैं कि जो गेम का मोस्ट पावरफुल डायनामॉन है वो जेनिक्स है। और इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो जेनिक्स का एवोल्यूशन है जाइडोनिक्स, वो अभी फिलहाल गेम का बेस्ट डायनामॉन है। और जल्दी गाइस इसका स्टेज थ्री एवोल्यूशन भी आने वाला है। कब आएगा गाइस इसके रिलेटेड तो अभी फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ गाइस आएगा ज़रूर। तो गाइस आप लोग क्या सोचते हो कि डायनामॉन्स वर्ल्ड का अब तक का सबसे बेस्ट डायनामॉन कौन सा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई होप कि गाइस आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।